अब मेरे को कोई भी पूछता रहता है ईमेल करके, जैसे यार इंसियाड में जाएंगे ना आया एम अहमदाबाद या बेंगलोर में जाएंगे, तो देखो यार इंसियाड है वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन द वर्ल्ड, ओके दैट इज बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड लिखा जाता है उसको। इंसियाड कहाँ पर है ना, फोंटी कैंपस, फाउंटेन ब्लू कैंपस में है आपको फ्रांस में, एक कैंपस है आपका अबूधाबी में, एक कैंपस है हमारा ईस्ट एशिया, मतलब है साउथ ईस्ट एशिया जिसको बात बताता है आपको सिंगापुर में, ठीक है। तो तीनों कैंपस है, इंसियाड इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल एंड 780-760 के आसपास जी मैट का स्कोर नहीं रहेगा तो इंसियाड में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। कभी कभी 750-740 में होता रहता है, किसी का आफ्टर ग्रेजुएशन हो सकता है कि उसका मैकेंजी में एक्सपीरियंस है, बीसीजी में एक्सपीरियंस है, बेन में एक्सपीरियंस है, तभी जाके कंसल्टिंग फर्म में आपका वहाँ पर आपको मतलब कहना जे एडमिशन ऑफर देते हैं इंसियाड। बिकॉज इंसियाड में तीनों आपको कहना दूगो सेक्शन में आपको ऑफर होता है, तीनों बी स्कूल में, तीनों सेक्शनल बी स्कूल जो है अबू धाबी कैंपस एंड आपको फोंटी कैंपस एज वेल एज आपको सिंगापुर कैंपस, ओके। लेकिन आपको आई एम अहमदाबाद या बेंगलोर में जाने के लिए आपको कैट देना पड़ेगा, जी मैट आपको है वो है आपको एग्जीक्यूटिव एम बी के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एम बी इंसियाड में है वो अलग है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ ग्लोबल जो एम बी ए का प्रोग्राम है इंसियाड का उसी का बात कर रहा हूँ। एंड इंसियाड में आप डिग्री कीजिएगा तो आपको क्या ना 90 लाख का फीस है एंड पैकेज आपको मोर देन 1.5 करोड़ मिलेगा। इंसियाड में डिग्री कीजिएगा एम बी ए कीजिएगा तो इंडिया का हो सकता है कि कोई आपको कंपनी का हेड बना दिया जाएगा, लेकिन हमें आई एम अहमदाबाद से कीजिएगा तो हेड नहीं बनेगा, वहाँ पर हो सकता है कंपनी का COO बनिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, आई एम बेंगलोर से कीजिएगा तो आपको इंसियाड में डॉयचा बैंक में नौकरी मिलेगा, तो आपको सिंगापुर में पोस्टिंग किया जाएगा, COO का सेक्रेटरी में आपको जॉब दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होते रहता है बिकॉज दिट इज़ द डिफरेंस, क्योंकि क्या होता है इंसियाड है ग्लोबल बिजनेस स्कूल, आई एम अहमदाबाद बेंगलोर भी ग्लोबली एक्सेप्टेड है, बट दे आर नॉट एज टू मच एज लाइक इंसियाड, ओके। तो दिस इज द थिंग, तो बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है इसमें इंसियाड के साथ क्या डिफरेंस, इंसियाड के साथ बहुत डिफरेंस है। इंसियाड में आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ग्लोबल फ्रेंड्स मिलेगा, जो आपको आई एम अहमदाबाद बेंगलोर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहीं से ही आपको आई आई टी आना है, वहाँ से आपको कॉमर्स ग्रेजुएट है, वहाँ से आपको इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है वो मिलेगा, लेकिन आपको इंसियाड में आपको ग्लोबली मिलेगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंड्स एंड हैविंग जी मैट स्कोर मोर देन 750-760 के आसपास है। उसके बाद एंड द स्पोकन इंग्लिश, मतलब क्या ना स्पोकन इंग्लिश दे आर हाई एंड फ्रीली दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, जो आपका आई एम अहमदाबाद बेंगलोर में बंदा लोग मिलता है, इंजीनियर बंदा लोग बोलता है, लेकिन उतना स्पीड है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ देयर इज लाख्स ऑफ डिफरेंस, बट आई एम अहमदाबाद में बेंगलोर में एमबीए करोगे तो 24-25 लाख आपको फीस है एंड एवरेज पैकेज इज 35 लाख्स एंड हाइस्ट पैकेज जा रहा है 62-80 करके जा रहा है, मतलब क्या ना बहुत कैंडिडेट को मिल रहा है आपको 50 लाख के आसपास पैकेज आई एम अहमदाबाद बेंगलोर से। कम कुछ भी नहीं है यार, इंडिया में बहुत ही अच्छा है आई एम अहमदाबाद बेंगलोर, लेकिन इंसियाड के साथ कंपेयर मत करो, इंसियाड इज अ ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड दे आर बेस्ट इन इंडिया, ओके, एंड ग्लोबली दे आर एक्सेप्टेड, ग्लोबल रैंकिंग में भी उसमें शामिल है। सो वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब खुद पे खुद डिसाइड करो जीमेट दोगे ना कैट दोगे, जीमेट दो 5 साल के लिए वैलिड है आपको, अगर कहीं बी स्कूल हो जाएगा, इंसियाड नहीं है, यूके का बहुत सारा बी स्कूल है 550-600 स्कोर में भी आपका एडमिशन लेता रहा है, दे आर वेरी गुड ऑल्सो, वहाँ से काम करके बेंगलोर में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, ओके, कंसल्टेंसी में। सो वन सेकेंड, दोस्त लोगों के बीच में शेयर कर दो, पेरेंट्स लोगों के बीच में शेयर कर दो, कन्फ्यूजन मत रखो खुद के पास, तो भैया फाइनली सक्सेस होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।